हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे और आप लोग इधर का व्यू देखो थर्ड फ्लोर पे भाई काफ़ी प्यारा है भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फील भी होता है यहाँ पे आके, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो अभी चलते हैं फूड कोर्ट, यहाँ पर ढूंढते हैं फूड कोर्ट किधर है, फिर कुछ खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि, आप लोग देख रहे हो रवि द व्लॉग्स। और आज का जो दिन है वो है संडे और आज डेट 4 है और ये मंथ चल रहा है दिसंबर का। रवि मेरे साथ है, मेरा दोस्त इकरामुल, और मैं आया हूँ पटना में। और मैंने भी सुना था रिसेंट में कि पटना में मॉल खुला हुआ है जो कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल है। तो अभी मैं उसी मॉल के बाहर हूँ, आप लोग देख सकते हो। और इस मॉल का नाम क्या था, सिटी सेंटर ना? हाँ, इस मॉल का नाम सिटी सेंटर है। तो आज हम आपको इस मॉल के अंदर लेके चलेंगे और इस मॉल का अच्छी तरह से आपको व्यू वगैरह दिखाएंगे और कुछ कुछ बातें इस मॉल के बारे में आपको बताएंगे। सो मस्त, आप लोग ब्लॉग पे बने रहो। और अभी मॉल बस खुलने ही वाला है, जैसे अभी टाइम कुछ 11 बज रहा है, तो मॉल खुल गया होगा। चलते हैं अंदर और आपको आप अंदर जाके अच्छे तरह से व्यू वगैरह दिखाते हैं और कुछ कुछ शॉट वगैरह डालेंगे अंदर का। तो मस्त ब्लॉग पे बने रहो, ब्लॉग देखते रहो। गाइज, आप लोग बैक कैमरा से यहाँ का मॉल का व्यू देखो। और इस मॉल का नाम सिटी सेंटर है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था तो इसलिए मैंने रामू से पूछा। सो अभी चलते हैं आपको अंदर लेके और अंदर आपको सिनेमेटिक शॉट वगैरह दिखाते हैं इस मॉल का। हम लोग बिहार के बिगेस्ट मॉल के अंदर आ गए और आपने थोड़ा बहुत शॉट वगैरह यहाँ का दिखा होगा। सो अभी आपको अंदर का थोड़ा बहुत शॉट दिखाते हैं एंड फिर कुछ कुछ स्टोर वगैरह में जाएगा। मेरे को शॉपिंग वगैरह करना था तो देखता हूँ, अगर शॉपिंग वगैरह हुआ तो वो भी इस ब्लॉग में कैप्चर हो जाएगा। सो अभी आप लोग यहाँ का व्यू देखो। मैं मैक्स में जा रहा हूँ एंड यहाँ पर देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करना हुआ तो यहाँ से कर लेंगे। तो ये रहा मैक्स का शोरूम एंड अभी चलते हैं अंदर एंड कलेक्शन तो काफ़ी सही से लग रहा है ना, देखते हैं कुछ पसंद वगैरह आया तो लेते हैं। लो मैक्स का कलेक्शन देख लो, कलेक्शन तो काफ़ी सारे हैं बट मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और एक रामुल को ये पसंद है तो अभी जा रहे हैं हम लोग इसका बिलिंग करवाने। और इधर भी देख लो, और यहाँ पे मैक्स में काफ़ी ऑफर भी लगा हुआ है, 50% ऑफ, 30% ऑफ। अब जाते हैं इसका बिलिंग वगैरह करवाते हैं, देखता हूँ मैं अगर कोई शर्ट वगैरह पसंद आया तो मैं शर्ट लूँगा वरना फिर इसी का बिलिंग करवा कर निकलेंगे कहीं और जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बिलिंग करवाने और इनका बिलिंग काउंटर नीचे है और लेडीज़ का भी सेक्शन शायद नीचे ही है। हाँ, लेडीज सेक्शन भी नीचे ही है, ऊपर जेंट्स और बच्चे का थे। तो अभी बिलिंग करवाते हैं। गाइस ये आपको मैक्स का लेडी सेक्शन है जो कि आई थिंक फर्स्ट फ्लोर नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर है एंड जिस पे हम लोग थे वो फर्स्ट फ्लोर था। तो अभी गया एक रामुल बिलिंग करवाना है, फिर बिलिंग करवा लेते हैं, चलते हैं कहीं और भूख भी लगा हुआ है मेरे को तो कुछ खाएंगे भी। ये देखो आप लोग यहाँ का आर्किटेक्चर कितना प्यारा है एंड हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर और इधर आपको मुफ्ती पेपे जीन्स और भी इधर काफ़ी आपको स्टोर है, जो बॉडी शॉप हो गया, फिर आपको टाइटन वर्ल्ड हो गया और इधर सामने मैक्स का, इधर तनिष्क नायका। सो गाइस इधर देखो, इधर आपको लुइस फ्लिपिंग्स, यूएस पोलो, लिवाइस एंड ब्लैक बेरी और इधर वाइल्ड क्राफ्ट का स्टोर वगैरह है। तो आप लोग इधर का व्यू वगैरह देख लो और अभी चलते हैं फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर या फिर सेकेंड फ्लोर पर, तो उधर आपको व्यू वगैरह दिखाते हैं। गाइस हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ पर डिजिटल प्लैनेट है, तो मैं सोच रहा यहाँ पर चलते हैं अंदर और थोड़ा आईफोन 14 प्रो मेरा देखना था कैसा है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं आईफोन 14 प्रो और आपको भी दिखाते हैं। सो अभी हम लोग इनके स्टोर में आ गए एंड ये देखो आप लोग इनका स्टोर काफ़ी प्यारा है यार, और सारे लैपटॉप्स वगैरह। और ये रहा अपना आईफोन 14, अपना नहीं भाई इनके स्टोर वाले का है। और ये आईफोन 14 प्रो और भाई ये आईफोन 14 प्लस और ये आईफोन 14 और मैं अभी अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ आईफोन 13 से। भाई साहब देखते हैं और आईफोन 14 प्रो
में सबसे खास ये डायनेमिक आईज हैं भाई, ये फीचर काफ़ी सही है। एंड ये देखो प्यारा लग रहा है ना। देखो अपग्रेड करना तो बनता है, अगर किसी को 13 से 14 प्रो वगैरह अपग्रेड करना है तो भाई वो वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। थोड़ा महंगा तो है बट कैमरा भाई व्लॉगिंग के लिए तो भाई परफेक्ट फ़ोन है। पहले था ना कि 13 प्रो में ना, पता है कि 13 प्रो में ना 1x था, उसके बाद है 3x या 2.5x का, 2x था ही नहीं इसमें, और इसमें 2x भी दे दिया। फिर मैं तो एप्पल वाले महान है यार, छोटा छोटा चेंजेस करते हैं और अच्छा खासा चूना लगा देते हैं। सो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये कलर है ब्लैक, वैसे मेरे को लेना होगा ना तो मैं डीप पर्पल लूँगा। देखो भाई यूट्यूब से अगर अच्छा खासा अर्निंग हो गया तो अपन प्लान करते हैं आईफोन 14 प्रो का। और बाकी ये देख लो इनका स्टोर वगैरह, और इधर लैपटॉप वगैरह भी है डेल वगैरह का, और उधर आप उधर देखो इधर आपको आईपैड वगैरह है। सो बस मैं सोचा कि आपको दिखा दें। और ये देखो ये आईफोन 14 प्लस, पता नहीं भाई एप्पल वाला क्या सोच के इसको लॉन्च किया भाई। इसका प्राइस 84,900, पता है 84,000 में मेरे को आईफोन 13 प्रो मिल रहा है अभी, मतलब यू मॉडल भाई। और ये आईफोन 14 प्लस सीरियसली इतना महंगा फ़ोन, वैसे प्यारा लग रहा है, वैसे बड़ा भी है ना काफ़ी। और ये आईफोन 14, वैसे आईफोन 14 और 13 में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो बस यही था, मैं सोचता थोड़ा चलते हैं आपको इधर भी दिखा देते हैं थोड़ा आईफोन 14 वगैरह एंड आईफोन 14 प्लस आईफोन 14 वगैरह। सो अभी चलते हैं हम लोग बाहर एंड अभी यार आपको मॉल वगैरह दिखाते हैं। अभी जाते हैं अभी फूड स्टोर पर कुछ खाएँगे एंड उसके बाद फिर आपको घुमाते हैं फिर मॉल वगैरह। थैंक यू। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर के इस साइड आए भाई, देखें इधर भी स्टोर वगैरह काफ़ी है भाई, लिटरली काफ़ी बड़ा मॉल है और टाइम तो लगेगा घूमने में। सो थोड़ा बहुत आपको कैप्चर कर रहे हैं तो वो आपको दिखा दे रहे हैं ब्लॉग में। सो इधर देख लो, इधर एलन सोली हो गया और इधर लैम्ब्रो यूनो, फिर किलर का हो गया द स्टोर, इधर भी का मोंटी कार्लो वगैरह है और इधर भी स्टोर है भाई। काफ़ी बड़ा है यार मॉल, काफ़ी बड़ा है। हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे और आप लोग इधर का व्यू देखो थर्ड फ्लोर का भाई, काफ़ी प्यारा है। एंड भाई सीरियसली बता रहा हूँ मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फील भी होता है यहाँ पे आके, काफ़ी बड़ा मॉल है। सो अभी चलते हैं फूड कोर्ट, यहाँ पर ढूंढते हैं फूड कोर्ट किधर है एंड फिर कुछ खाएँगे और सोच रहे हैं फोटो वगैरह भी थोड़ा बहुत चेक करवा लेंगे। अभी हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे और देखो भाई इधर टैटू शॉप भी है। तो चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे एंड ऊपर ही फूड कोर्ट है तो अभी उधर चलते हैं। सो गाइस इधर ही है फूड कोर्ट और ये आपको थर्ड फ्लोर पे। सो इधर आ केएफसी क्रीम फूडी टी जंक्शन भाई, देखते हैं भाई भूख बहुत तेज लगा है मेरे को। और उधर आगे में पिज़्ज़ा हट भी है और भाई आगे कुछ है दिख नहीं रहा। तो इधर वाओ मोमोज वगैरह दिया भाई, अभी खा पी के फिर हम लोग चलेंगे इधर। अभी गाइस हमारा KFC में मील ऑर्डर हो गया है एंड अभी वेट कर रहे हैं जैसे आता है फिर आपको दिखाते हैं क्या हमने ऑर्डर किया है। वैसे दो लोग हैं, तीन लोग का मील ऑर्डर हो गया है कोई नहीं, भूख बहुत तेज लगा हुआ था भाई, ना ब्रेकफास्ट मैं किया ना ये किया तो मस्त अभी खाते हैं KFC। भाई KFC का चिकन अपना फेवरेट है हम दोनों का और फिर आपको चलेंगे चलेंगे यहाँ पर जो गार्डन है ना वहाँ पर, तो मस्त ब्लॉग पर देखते रहो ब्लॉग इन्जॉय करते रहो। अब बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। ये हमारा मील आ गया ये इधर KFC था। सो ये हम लोग का मील अल्टीमेट सेविंग बकेट पैरी पैरी मील, तो चलते हैं खाने और टेस्ट बताते हैं। वैसे टेस्ट क्या, टेस्ट तो अच्छा ही होगा KFC का है तो तभी खाते हैं एंड फिर आपको और चीज़ें दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। अभी गाइस हम लोगों ने KFC का चिकन वगैरह जो हमने मील ऑर्डर किया था वो खा लिया भाई, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया और टेस्टी था। वैसे तीन लोग का मील था भाई, हम दोनों ने मिलकर फिनिश कर ही दिया, भूख बहुत तेज लगा हुआ था। सो अभी आपको ये जो गार्डन है वहाँ पे ले जाते हैं एंड उधर थोड़ा बहुत व्यू वगैरह दिखाते हैं फिर आपको ले चलेंगे उधर हमारे पीछे एंड वहाँ पे गेम जोन वगैरह है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे और फिर ग्राउंड फ्लोर पर लेके चलेंगे एंड देन फिर ब्लॉग ये वाला ख़त्म कर देंगे। सो अभी चलो आप लोगों को गार्डन दिखाते हैं। जैसे आप लोग व्यू देख लो इधर का और ये छोटा सा प्लेग्राउंड है
एंड इधर से देख लो मॉल का व्यू भाई, लिटरली काफ़ी बड़ा मॉल है। एंड अभी चलते हैं हम लोग गेम जोन की तरफ, आपको गेम जोन दिखाते हैं। सो अभी गाइस हम लोग आपको थर्ड फ्लोर के राइट साइड लेके चलते हैं एंड इधर का व्यू दिखाते हैं। सो इधर आ गए, ये देखो, और ये सामने ये गेम जोन है, क्रॉस वर्ड का स्टोर है, यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। और भाई ये देखो, आई लव बिहार। ये देखो चलते हैं हम लोग गेम जोन के अंदर, एंजल का पॉप व्यू दिखाते हैं। तो ये देखो आप, ये भाई पोल्टी है, ये आपको पोल्टी है, इधर रेसिंग वगैरह, कार रेसिंग वगैरह हो गया, और भी काफ़ी गेम यहाँ पे है जिसमें आप खेलोगे जीतोगे तो आपको प्राइज़ वगैरह मिलेगा। और ये देख लो आप लोग इनका पूरा स्टोर, ये आपको थर्ड फ्लोर में है सिटी सेंटर के, काफ़ी प्यारा है, बच्चों लोग के लिए तो भाई जन्नत है। आप लोग इधर से भी व्यू देख लो भाई, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इधर कैंडी शॉप वगैरह है, और ये देखो ये ऋतिक रोशन का स्टैचू है एंड ये कटरीना का है। एंड अब चलते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे एंड नीचे जाके मैं ये वाला व्लॉग ख़त्म कर दूंगा। सो अभी गाइस हम लोग लाइफस्टाइल के स्टोर में एंड इधर देख रहे हैं कुछ कुछ गाइस। ये आप लोग लाइफस्टाइल के स्टोर का थोड़ा बहुत व्यू देख लो एंड फिर चलते हैं बाहर। उधर भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा है बट एक्सपेंसिव है भाई। एक शर्ट मेरे को पसंद आया टर्टल का, बट भाई उसमें कोई ऑफर नहीं था, वो अराउंड 2000 का था, तो फिर मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगा लूँगा। ऑनलाइन मेरे को वो शर्ट 1200 का पड़ रहा था। तो अब निकलते हैं लाइफ स्टाइल से। और इधर भी ब्लेजर वगैरह कलेक्शन मेरे को काफ़ी सही लगा, बट भाई मेरे को लेना नहीं है। और अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग आ सकते हो सिटी सेंटर में, आ तो ये लाइफ स्टाइल का शोरूम को मैं विजिट कर सकते हो। तो अभी गाइज हम लोग मॉल के बाहर आ गए और ये देख रहे हो यहाँ पे रात को फाउंटेन शो होता है, रात को नहीं शाम में होता है, छः बजे से लेके 7 बजे तक, और भाई काफ़ी प्यार नज़र आता है। और अगर कहीं से क्लिप मिला तो मैं आप डाल दूँगा अपने व्लॉग में, वरना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। और आप लोग आते हो सिटी सेंटर तो शाम में आते हो तो आप देखना फाउंटेन शो, काफ़ी प्यारा होता है एंड पूरा गाने वगैरह ही बजते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ निकलते हैं नीचे चल के, मैं ये वाला व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जितना हो सका मेरे से उतना मैंने आपको अपने इस ब्लॉग में कैप्चर कर दिया है यहाँ का क्लिप वगैरह। तो अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर देता हूँ। सो अभी गाइज हम लोग मॉल के एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं और अब मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोग बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कभी कर देना ओवरऑल आपको ब्लॉग कैसा लगा उसके बारे में। सो अगर आप लोग भी आना चाहते हो यहाँ पर सिटी सेंटर मॉल में, तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हो। या फिर कोई अगर पटना विजिट कर रहे हैं या फिर पटने के, तो वो आओ घूमो, काफ़ी अच्छा है। फिर तो काफ़ी सारे स्टोर और खुलने वाले हैं, तो वो खुल जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा मॉल। तो बस यही था आज का ब्लॉग, तो आप लोग बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो अगर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर देना। फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत।